हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द पर्पल हॉल शेयर करूँगी, तो आज मैं पर्पल हॉल शेयर कर रही हूँ। और मुझे ये प्रोडक्ट आज ही रिसीव हुए हैं। और मेरा आईलाइनर कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये थोड़ा सा ये जो हॉल है पर्पल हॉल वो शायद थोड़ा सा लेंथी हो जाए, इसके लिए आई एम सॉरी। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी लेकर बैठ जाइए। और मैं अब शुरू करती हूँ। और अगर आपको थोड़ा हेल्पफुल लगता है मेरा ये वीडियो, आप लोग ख़रीदना चाहते हैं पर्पल के प्रोडक्ट, मतलब कि गुड वाइब्स के हर्बल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोगों को ये पर्पल हॉल ज़रूर देखना चाहिए। और मैं जितने भी चीज़ें मैंने परचेस की हैं तो मैं उनके परचेस लिंक आपको दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और मैं सारी चीज़ें अभी दिखाऊँगी, रिव्यू नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैं जब मैंने अभी यूज़ नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि कुछ मैंने जो अभी न्यूली लॉन्च हुए हैं जो चीज़ें वो मैंने मंगाई हैं गुड वाइब्स से, क्योंकि मैं पहले इन सब चीज़ों को यूज़ करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, मेरा जो ट्राईपॉड था वो टूट गया, और मैं अब कैसे बना रही हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी। मैं बताऊँगी ट्राईपॉड वो कैसा था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये टूट ही जाएगा किसी दिन। और अगर आप लोग भी कोई ट्राईपॉड लेना चाहते हो तो इस तरह का ट्राईपॉड मत लेना। मैं इसके आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगी, इस तरह का मत लीजिए। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, आप भी ख़रीदना चाह रहे हो, आप लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, और इस तरह के ट्राईपॉड मत लीजिए। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा ट्राईपॉड, लेकिन हाँ अच्छा वाला ही लीजिए। मैंने भी अब थोड़ा अच्छा ही मंगाया है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप चलिए शुरू कर देते हैं पर्पल हॉल जो जो मैंने लिया है। मैं आपको उसकी जो जितने का है, मतलब उसमें जितने का लिखा हुआ है वो नहीं, उसके रेट उसको वो बताऊंगी मैं कितने का है ये, और मुझे कितने का ये मिला है, मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ प्रोडक्ट मैंने जो थोड़े थोड़े रिसीव हुए हैं तो मैंने उनको थोड़ा खोल लिया था। इसमें मुझे 2 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं तो मैंने इनको खोल लिया है। ये देखिए 2 प्रोडक्ट हैं, इसमें 2 ही आए थे इसमें, तो मैं बताऊंगी आपको ये कितने के हैं और ये क्या है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है ये सेदर गुड मिस्ट है, ये अपर लिफ्टिंग होती है इससे फेस की, अपर लिफ्टिंग फेस मिस्ट है। तो अगर आप इसको इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको ये 50 ml है प्रोडक्ट है, और ये मुझे कितने का मिला, मतलब कितने का था, हाँ ये मुझे मिला, मुझे ये था 128 का, बट मुझे मिला है 104 का और 0.6096 मतलब पैसे, तो इतने का ही मिला है मुझे। और 80% मुझे जितने भी प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं तो मुझे 18% डिस्काउंट पर मिले हैं। तो अगर आप चाहते हैं और थोड़ा डिस्काउंट आएगा, अभी मैं आपको सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मैं दिखा दे रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा डिस्काउंट होना तब आप लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मैंने लिए हैं। तो ये है सेदर गुड है, ये अपर लिफ्टिंग फेस मिस्ट है, इसको आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। बस इसको क्या है, मैंने इसमें पढ़ा है कि इसको आइज़ में नहीं जाने देना है। आप जब भी इसको यूज़ करें तो आप पहले फेस वॉश, या आप जैसे वॉश करके आते हैं, मतलब इस नहा के और आते हैं, तो आप इसको आँख बंद करके इसको यूज़ कर सकते हैं टोनर की जगह। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है ये प्रोडक्ट। और इसके साथ ही मुझे रिसीव हुआ था ये पपाया मास्क है, ये ग्लो फेस मास्क है, और एक्चुअली ये मुझे मिला था ये 191 का है, ये मतलब इसकी कॉस्ट 191 है, लेकिन मुझे मिला है 156 का,
156.62 पैसे, तो इतने का मुझे मिला है। और मैंने सब मैंने अगेन पहले बता ही दिया है कि मुझे 18% सारे के सारे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिला है, तो ये मेरे दो प्रोडक्ट हो गए। और मुझे फ्रेंड्स देखिए सारे परचेस हुए हैं इस तरह के डब्बे में, ये देखिए मुझे इस तरह के पर्पल कलर, ये देखिए पर्पल लिखा हुआ है, इस तरह के डब्बे में मुझे सारे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। और देखिए किस तरह इनकी पैकेजिंग होती है, देखिए अभी मैंने पैकेजिंग भी नहीं खोली क्योंकि अभी अभी आए हैं, तो मैंने इनकी पैकेजिंग नहीं खोली है। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि इनकी किस तरह की पैकेजिंग होती है। तो देखिए इस तरह की ये पैकिंग बहुत ही अच्छे से होती है। अगर आप कोई जैसे कोई कांच की बोतल है, मतलब ग्लास बोतल है, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरह से आते हैं ये सारे प्रोडक्ट, तो मुझे इसी तरह में मिले हैं ये देखिए, और मुझे इसी तरह का डब्बे मिले हैं, देखिए सारे डब्बे मुझे इस तरह के मिले हैं और अच्छे से पैक होकर आया है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इनको अभी मैंने दिखाने के लिए मैंने इसकी पैकिंग नहीं खोली थी, और मैं अब ये पैकिंग खोल रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं पहले पैकिंग खोल लेती हूँ, फिर आपको एक एक करके प्रोडक्ट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने सारे प्रोडक्ट खोल लिए हैं, और मुझे शीट मास्क मैंने ख़रीदे हैं, तो मतलब मैंने बाय किया था शीट मास्क को, तो ये भी मुझे 1.99 का मिला है। ये है रोज़ मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क है, ये इस तरह का होता है, इसमें एक ही निकलेगा बट लेकिन ये बहुत हाइड्रेटिंग होते हैं, तो समर्स में हो चाहे आप किसी भी वेदर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग होते हैं। मैंने एक शीट मास्क का रिव्यू भी किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, वो भी बहुत अच्छा शीट मास्क था। तो मैंने मतलब अलग अलग कंपनी के, मैंने उसमें भी बताया था कि मैं अलग अलग कंपनी के मैं यूज़ करती रहती हूँ। मैं अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे देखते रहते हैं, तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि मैं हर कंपनी की चीज़ों को यूज़ करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड के यूज़ ना। तो ये गुड वाइब्स का है रोज़, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, मैं इसको बहुत जल्द इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। और सेकंड है टी ट्री क्लिंजिंग शीट मास्क है, ये क्लिंजिंग मतलब ये आपका फेस जब क्लीन होगा तो भी अच्छे से डीपली क्लीन करेगा, और आपको जितना अगर मुहासे हैं मतलब पिंपल हो रखे हैं, या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, तो अंदर से डीपली क्लीन, अगर बहुत ज़्यादा डर्ट रहती है आपके, मतलब आप ज़्यादा बाहर रहते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये, आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। कोई भी मतलब इन सारे जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ, मैं सारे की परचेस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो सेकेंडली मैंने लिया है ये है, ये देखिए ये है एलोवेरा प्लस नीम एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइज हाइड्रोनिक जेल है, ये मैंने जेल लिया है, और ये आप इसको डे में यूज़ कर सकते हो, और इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया है। ये कितना है, ये 50 ग्राम है इसकी क्वांटिटी, और ये दिखाती हूँ मैं आपको खोल कर, गिलास ये ग्लास कंटेनर है, और ये इसका ब्लैक ब्लैक कलर का लिड है, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे इसकी स्मेल यहीं से आ रही है, और इसके अंदर एक लिड और मिलता है, तो इस तरह का है ये, और इसमें मतलब ये इसके साथ आया है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, इसलिए बहुत अच्छी खुशबू है इसकी गाइस, बहुत अच्छी फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगने वाला है ये। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको देती जा रही हूँ, वो देखते जा रहे हैं वो यूज भी करेंगे, वो भी यूज करते हैं। और मैंने एक फेस मास्क भी मंगाया है, मैंने एक पपाया फेस मास्क मंगाया है, एक मैंने लाइम और बेजिल स्किन हीलिंग फेस मास्क मंगाया। अगर आपकी स्किन थोड़ी मतलब स्किन पे पिंपल रहते हैं, आपके निशान हैं, अगर आप मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है आपकी स्किन, तो हील किस कैसे हो आपकी स्किन, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है इसको, तो
यूज किए हुए, तो उनका स्किन एकदम से मतलब ग्लो कर रही थी ये लगाने के बाद। तो ये बहुत अच्छा मास्क है। तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है और इसका गोल्डन कलर का कैप है, ये बंद है अभी। हाँ, ये इसमें एक पैक है, ये बिल्कुल नहीं, ये बंद नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये भी, ये कितना है। ये सारे जो भी प्रोडक्ट हैं, जितने मास्क वगैरह हैं या जेल हैं, तो 50 ग्राम में आ रहे हैं ये। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये नो पैराबेन, नो सल्फेट और क्रोयल्टी फ्री प्रोडक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मतलब इसमें कोई भी, ये तो बिल्कुल मिट्टी की तरह लग रहा है, जैसे मड होता है ना, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, या फिर कायोलिन जो होती है, उसकी जो स्मेल होती है, तो ये उसी तरह का है। बहुत अच्छा है ये भी। तो इसमें लेमन की फ्रेग्रेंस भी आ रही है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैं सारे परचेस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप देख रहे हो, अगर मेरा थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मैंने सब सारे के पच्चे इसका तो मैंने बता दिया था, 91 है, 99 का। और ये मुझे कितने का मिला है मास्क, हाँ लाइमर बेजिल वाला है ये। इसकी जो मतलब इसकी एक्चुअल प्राइस है, इसका 180 का है ये, मतलब है इसमें लिखा हुआ, पर मुझे मिला है 147 का। तो ये पूरा इतने का ही मुझे मिला है, तो ये अच्छा है, परचेस कर लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और जो मैंने एक और मैंने जो जेल वो बताया था, जेल जो एलोवेरा नीम जेल है, वो कितने का है, ये भी 180 का है ये, और 147 का मुझे ये मिला है, रिसीव हुआ है मुझे इतने का ही। और फिर मुझे मिला है ये टी ट्री ऑयल एंड ऑल बेजिल, ये ब्लैक हेड रिमूवल एंटी एजिंग फेस वॉश है, और ये ग्लास कंटेनर है, ये बिल्कुल बंद है अभी, ये देखिए सील पैक है, मैंने अभी नहीं खोला है क्योंकि अभी अभी मुझे रिसीव हुए हैं। और ये 100 ml है, और इसका मैंने रिव्यू मैंने देखा है, तो इसका अंदर ग्रीन कलर का ये निकलता है फेस वॉश, और ये बहुत ही अच्छा है अगर आपको पिंपल्स हैं तो। मुझे नहीं है, लेकिन मुझे यूज़ करने का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको यूज़ ज़रूर करूँगी। और ये इसकी एक्चुअल प्राइस है 172 रुपीज़, और ये मुझे मिला है 141 में। तो ये इसकी मैंने बता ही दिया है, ये 100 ml है, तो ये है। और मैं बता रही हूँ आपको, अब NYV का मैंने ये सीरम मंगाया है, ये सीरम मुझे बहुत ही मतलब अभी तक ये किसी भी यूट्यूबर्स ने नहीं खरीदा है, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले बाय कर लेती हूँ, तो मैंने इसको ले लिया है। और मैं इसको ज़रूर आपको ट्राई करके ज़रूर बताऊँगी ये मुझे कैसा लग रहा है गाइस। और ये एजलेस एज द लाइब्रेरी लेडी सीरम है, और ये हाइड्रोलिक एसिड है एंड विटामिन सी है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपकी एज हो रही है, आप 30+ हैं, तो 30+ के बाद ही आपको सीरम्स वगैरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 30+ के बाद ही ये सारे जो सीरम्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है आपके फेस के, क्योंकि उसके बाद आपको आपकी स्किन ना ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, किसी किसी की मतलब रहती है, किसी किसी की नहीं होती है, तो थोड़ा सा मतलब अलग टाइप की स्किन हो जाती है। तो आप इसको इस तरह से, ये इस तरह के सीरम्स होते हैं जो आप ले सकते हो, फेस सीरम है ये ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, और ये हाइड्रेट, ड्राई स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और हेल्प इम्प्रूव
क्रुएल्टी मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे आपको निशान वगैरह है, अगर आपकी स्किन फ्लैकी रहती है, ड्राई मतलब बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, स्किन निकलती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ खोलकर ये किस तरह का है। और ये 10 ml प्रोडक्ट है और ये मुझे रिसीव हुआ है, ये 131 का है, ये मुझे रिसीव हुआ है 107 का। तो मुझे अच्छा ये लगा, तो मैंने सब में थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट है तो ले लिया मैंने। और देखिए इसकी जो मतलब जो भी सीरम्स होते हैं, जो सीरम होते हैं ना, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स ये सीरम जो होते हैं ना वो अच्छे तभी होते हैं क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है वो डार्क कलर की बॉटल में हो। ग्लास तो है ये, लेकिन जो बॉटल होती है अगर ये डार्क कलर में हो ना तो ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके साथ एक ये ड्रॉपर भी मिला है, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं इसको लिड को हटा दूँगी और मैं इसके साथ इसको लगा दूँगी और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये इस तरह से इसमें आया है, तो मैं अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ। जब मैं यूज़ करूँगी और मैं इसका रिव्यू करूँगी ना, तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी ये कैसा है। तो ये है एक प्रोडक्ट। और एक और सीरम मैंने लिया है, ये है गुड वाइब्स का, वो मैंने NYV का लिया है, ये मैंने गुड वाइब्स का लिया है। और विटामिन सी एंड विटामिन ई है इसमें। ये है एज डिफाइंग सीरम, एज डिफाइंग सीरम है ये। नेट वॉल्यूम है 10 ml। तो ये ऐसा है, ये भी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, उतना ही है, 10 ml वो है, 10 ml ये भी है। और फ्रेग्रेंस इसमें अच्छी होती है। आप अभी मैंने इनको यूज़ नहीं किया है तो मैं फ्रेग्रेंस के बारे में कुछ नहीं बता सकती। मैंने रोज़ हिप का रिव्यू किया हुआ है, अगर आप वो लेना चाहते हैं ना तो वो भी बहुत ही अच्छा है, मैं उसको भी फिर से परचेज करूँगी। और ये देखिए ये ब्लू बॉटल है इसकी, अभी खुशबू का कुछ स्मेल कुछ नहीं पता चल रही है। इसमें भी ये आया है ड्रॉपर, ये भी इसमें ड्रॉपर आया है और उसके साथ भी ड्रॉपर था, मतलब इनके साथ ड्रॉपर ही आता है क्योंकि इस तरह से आपको लगाना अप्लाई करना होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब वो 30 के हो जाते हैं तो आपको सीरम्स यूज़ करना चाहिए। अगेन मैं बता रही हूँ, तो आप भी यूज़ करना, अगर आप नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट, तो आप सीरम्स कोई भी ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इनका रिव्यू कर रही हूँ। मैंने एक हाँ जो बायोटिक का सीरम था मैंने उसका रिव्यू किया है। अगर आपको बायोटिक की चीज़ें पसंद आती हैं, मतलब उसके प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो आप उसका भी देख सकते हो, मैंने उसका भी रिव्यू किया हुआ है। तो आप रिचा रॉय जब डालेंगे तो आपको सारे, अगर सीरम डालेंगे उसके साथ डेंडेलियन सीरम, तो उसका रिव्यू आपके सामने आ जाएगा और आप उसको भी देख सकते हो उसका रिव्यू। तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। लेकिन ये 100 कुछ का है, तो आप इसको यूज़ करिए, ये क्यों कॉस्टली भी नहीं है और आपको अच्छा भी लगेगा। इससे आपकी स्किन है ना ग्लो करेगी, बहुत ज़्यादा ग्लो आता है इस जो भी सीरम आप लगाएंगे ना, तो इनसे ग्लो बहुत आता है। तो आप इसको एक बार, मतलब जो भी प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ ना, जो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, तो बहुत ही अच्छे हैं ये प्रोडक्ट जितने ही मैंने खरीदे, क्योंकि मैंने चुन चुन के खरीदे, बहुत टाइम लगता है मुझे सारी चीज़ें परचेस करने में, देखने में। तो मैं जो मुझे अच्छा लगता है अपनी स्किन के लिए, मेरी स्किन के लिए जो सूट होता है, मैं वही चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खरीदना। तो ये सीरम आप अगर वो चाहते हैं तो वो उसका रिव्यू देखिए, और इसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आप लोग के साथ, जब मैं इसको ट्राई कर लूँगी तब। और मैंने ग्रीन टी ग्लो टोनर लिया है, ये देखिए मैंने ग्लो टोनर भी ले लिया है ग्रीन टी, और ये भी अगेन गुड वाइब्स का है। गुड वाइब्स के मैंने 10 प्रोडक्ट खरीदे हैं एंड NY के मैंने 2 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो 25 मुझे करने थे मतलब दोनों ही के। तो कुछ मैंने प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं तो मैं वो वाला हॉल भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और ये गुड वाइब्स का क्या है, हाँ ये टोनर है। तो ये कितने का है, हाँ ये मुझे मिला है 140 का है, 140
का है ये, 140 और मुझे मिला है 114 का, तो ये अच्छा है ना, 114 का और 140 का था तो ये अच्छा ही लगा मुझे। और ये कितनी का, 120 ml प्रोडक्ट है ये, बहुत है, बहुत ही अच्छा है। ये भी बिल्कुल पैक है, अभी सील पैक है, बिल्कुल खुला नहीं है। और इसको कोई भी, जो भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ, आप आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। अगर आप ट्रैवल करते हो ना, तो इनके जो सैंपल होते हैं ना, सैंपल जो आते हैं इनके, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आप ले सकते हो, तो आप वो उस तरह की परचेस भी कर सकते हो। लेकिन ये जो टोनर होते हैं हर समय यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपको, चाहे आपने सुबह वॉश किया हो, चाहे आपने दिन में वॉश किया हो, चाहे आपने रात में वॉश किया हो, फेस जब भी आप फेस वॉश करते हैं, मतलब फेस जब भी आपका क्लीन होता है, तो अगर आपकी ओपन पोर्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट है अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। ड्राई स्किन वाले तो अगर मिस्ट भी लगाते हैं ना, तो उनको चल जाता है, लेकिन ऑयली स्किन वालों को टोनर यूज़ करने चाहिए। स्पेशली ग्रीन टी हो गया, कोकम्बर हो गया, जो हनी वाला होता है वो ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकम्बर और ग्रीन टी, तो उनको, ऑयली स्किन वालों को ये वाले टोनर्स यूज़ करने चाहिए। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसको नहीं खोल रही हूँ अभी, मैं जब यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो ये एक प्रोडक्ट ये हो गया है, और मैंने एक लिया है, ये भी मैंने अगेन गुड वाइब्स का है, ये है एलोवेरा, एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश है ये, और ये 200 ml है, और इसमें भी अगेन सब कुछ लिखा हुआ है, नो पैराबेन, क्रोएल्टी फ्री, और नो मिनरल ऑयल, मतलब कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है इसमें, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह का हर्बल प्रोडक्ट है, तो आप जानते ही, तो हर्बल प्रोडक्ट आपको रिसीव हो रहे हैं। और ये कितने का है, ये 175 का है इसमें, मतलब इसमें लिखा हुआ है 175 का, लेकिन मुझे मिला है 143 का, तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा भी डिस्काउंट मिलता है ना अगर गर्ल्स को, तो उनको फायदा ही लगता है कोई भी गर्ल्स हो, उनको मतलब थोड़ा भी डिस्काउंट मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। अब और लोगों का मुझे पता नहीं, बट मैं तो हो जाती हूँ। तो ये देखिए पूरा सील पैक है, अभी ये देखिए बंद है, तो जब मैं इसको देखूंगी, अभी मैंने यूज़ नहीं, इसका मैंने एक यूज़ किया है, मैंने कौन सा, एप्रिकॉट वाला मैंने इसका यूज़ किया है, तो मैं जब यूट्यूबर नहीं थी तब मैंने यूज़ किया था, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब से मैं यूट्यूबर बनी हूँ, तब से मैं ये सारी और ज़्यादा चीज़ें खरीदना स्टार्ट, पहले से भी खरीदती थी, और जब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, तो तब तो मैं और ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया है। और शायद बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है वीडियो, नहीं मालूम मुझे, तो और ये शायद लास्ट है, पता नहीं, अभी भी देखूंगी मैं। और एक और मैंने NYV का मैंने खरीदा था, ये है, ये रेडी रेडी मेकअप फिक्सर है, मतलब जब आप मेकअप कर लेते हो, ये तब के लिए है मेकअप फिक्सर, एंड ये ये है 169 का, इसमें लिखा हुआ है 169, और ये मुझे रिसीव हुआ है 138 का, तो ये क्वांटिटी, इसमें बहुत छोटा छोटा रहता है, तो समझ में भी नहीं आता है कि, हाँ ये है 30 ml है ये, और ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ। मैंने सोचा था कि इस तरह का प्रोडक्ट होगा, इतना बड़ा होगा, बट ये इतना छोटा है। चलिए देखते हैं, ये भी शायद प्लास्टिक का ही बोतल है, हाँ जैसा ये मिस्ट का था ना, उससे भी छोटा है ये। इस ये गुड वाइब्स का जो मिस्ट मैंने लिया है ना, सेदर वुड, उससे भी छोटा है ये 50 ml है क्योंकि, और 30 ml है ये, तो ये पैक नहीं है, तो मैं इसको दिखा देती हूँ।
ये मुझे वो क्या जो होता है ना कुछ जो कुछ एसिड जैसी चीज होती है उस तरह का ये लग रहा है, जैसे वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना लैक्मे का आता है, या फिर आप ब्लू हेवन का खरीदेंगे उसका आता है, उसी तरह की स्मेल है इसकी। तो मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है इसको लगाते हुए, लेकिन उनकी जो आईज है उनको लगता है कि इधर जलता है। अभी तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मुझे इस तरह का कुछ सेंसेशन सा तो नहीं लग रहा है। अगर लगेगा तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी, अगर लगेगा तो, और नहीं लगेगा तो मैं आपको बताऊँगी कि ये नहीं लगता है। किसी किसी को शायद ज़्यादा सेंसिटिव बालों को लगता हो ऐसा, तो एक ये प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ ये पर्पल हॉल कंप्लीट होता है। मैंने सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं मैं उनकी परचेस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं इन सारे प्रोडक्ट खरीदने में, गुड वाइब्स के मतलब हर्बल प्रोडक्ट खरीदने में, पर्पल से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में आप अच्छा डिस्काउंट भी लेना चाहते हो और इंटरेस्ट भी लेते हैं इन सब चीज़ों को खरीदने में, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उन लोग को भी अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ करना कैसे है और किस तरह से यूज़ कैसे करना है और किस तरह से ये आते हैं, तो ये सारा उन लोगों को भी पता चल जाएगा। और मेरा चैनल जब आप उन लोग के साथ शेयर करोगे, वीडियो शेयर करोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मैंने जो प्रोडक्ट दिखाए उनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा। मुझे एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे कमेंट मिले, मैं मतलब देखूँ आप लोग क्या मेरे लिए लिख रहे हो, मेरे मतलब वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है सारी चीज़ों को मतलब सेलेक्ट करने में, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मुझे अच्छे जो लगे मैंने वही खरीदे हैं। और अगर आप लोगों को कुछ किसी और चीज़ का रिव्यू देखना है, कोई आप लोगों की स्किन कैसी है, उस तरह के जो परचेज आपको करना है आपको नहीं पता है तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा और मैं उस तरह से वो चीज़ें खरीद लूँगी और मतलब परचेज करके आप लोगों को बताऊँगी उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग मेरा वीडियो नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन होता है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जैसे ही हिट करेंगे तो आपके पास मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे। आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो आप लोग उसको भी इंजॉय कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।